आप देख रहे हैं दखल न्यूज। इस्तीफा वापस लेने के लिए राहुल गांधी पर सांसदों का दबाव, संकट के समय अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते अध्यक्ष पद। देश के बाद अब बीजेपी की निगाह दिल्ली पर, मनोज तिवारी बोले जीतेंगे 70 में से 60 सीटें। जय श्री राम पर ममता बनर्जी का गुस्सा, बीजेपी भेज रही है जय श्री राम लिखे 10 लाख पोस्ट कार्ड। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल करेंगे समय से पहले सारे काम, नितिन गडकरी 3 साल में करेंगे सभी हाईवे प्रोजेक्ट पूरे। और भोपाल में 8 तारीख को कांग्रेस करेगी हार मंथन, कमलनाथ के साथ बनेगी आगे की रणनीति। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के नवनिर्वाचित लोकसभा के सभी सदस्यों ने राहुल गांधी से पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश वापस लेने की जमकर दबाव डाला। सांसदों ने कहा कांग्रेस के मौजूदा सबसे गंभीर राजनीतिक संकट के समय पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व की सबसे ज्यादा जरूरत है और ऐसे में वह अपनी मर्जी से अध्यक्ष पद नहीं छोड़ सकते। कार्य समिति की 25 मई की बैठक में इस्तीफे की पेशकश के बाद राहुल गांधी पहली बार पार्टी नेताओं से कांग्रेस संसदीय दल के नेता के चुनाव के मौके पर रूबरू हुए। सोनिया गांधी के नेता चुने जाने की औपचारिकता पूरी होने के बाद लगभग सभी पार्टी सांसदों ने राहुल से कहा कि कार्य समिति में इस्तीफे की उनकी पेशकश पहले ही खारिज कर चुके हैं, लिहाजा वे इस्तीफा देने का अपना इरादा त्याग दें, क्योंकि चुनावी हार के बाद पार्टी अपने सबसे गहरे संकट के दौर में है, ऐसे में उनके नेतृत्व की जरूरत है। कांग्रेस जन पूरे देश में इस्तीफे को लेकर बेचैन और असमंजस में है। कई सांसदों ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस को एकजुट रखते हुए राजनीतिक वापसी के लिए राहुल गांधी को नेतृत्व करना ही होगा और वे अपनी मर्जी से अध्यक्ष पद नहीं छोड़ सकते। लोकसभा के नए सांसदों ने राहुल से जब अलग से बैठकर बात की और बात उठाई तो फिर सबसे 10 जनपद आने के लिए कहा गया। सांसद जब 10 जनपद पहुंचे तो पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पहुंची। सांसदों ने वहां भी राहुल से अपनी बातें दोहराई। दिल्ली में मनोज तिवारी ने रोड शो किया और कहा दिल्ली को बीजेपी की जरूरत है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी 70 में से 60 सीटें जीतेगी। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों जीतने के बाद अब दिल्ली बीजेपी का निशाना अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद रविवार को अपने उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र पहुंचे। मनोज तिवारी ने इस दौरान रोड शो किया और वोटर्स को धन्यवाद दिया। इसी के साथ मनोज तिवारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में दिल्ली को बीजेपी की जरूरत है, केंद्र में मोदी सरकार है, ऐसे में दिल्ली में भाजपा के जीतने से दोगुनी रफ्तार से विकास होगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अपनी जनता से कहा कि देश में मोदी को चुन लिया है, ऐसे में दिल्ली में भाजपा का जीतना जरूरी है, अब 70 में से 60 सीटें जीतेंगे। मनोज तिवारी ने कहा कि नाकाम और झूठे केजरीवाल को जनता परमानेंट हटाएगी, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के अभिशाप हैं। जो मुख्यमंत्री 55 महीने बोलता रहा कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, अब वो आखिरी 5 महीने में कैसे काम कर लेगा। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 2020 के फरवरी में पूरा हो जाएगा, इस साल के आखिर में दिल्ली के चुनाव का ऐलान हो सकता है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में करारी हार झेलने की वाली तृणमूल कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जय श्री राम लिखे हुए 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजने का निर्णय किया है। बंगाल से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद अर्जुन सिंह ने कहा हमने मुख्यमंत्री के आवास पर 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजने का निर्णय किया है जिन पर जय श्री राम लिखा होगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जय श्री राम नारे लगाने से ममता बनर्जी के भड़कने पर यह निर्णय लिया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक रह चुके अर्जुन सिंह आम चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद कहा कि ममता बनर्जी को जय श्री राम लिखे पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। उधर भाजपा ने सवाल किया क्या राज्य में जय श्री राम का नारा लगाना अपराध है।
गुरुवार को ममता बनर्जी तब नाराज हो गई थी जब कुछ लोगों ने उनकी कार के सामने जय श्री राम के नारे लगाए थे। बीजेपी का कहना है, क्या जय श्री राम कहना अपराध है? क्या यह नारा लगाने पर किसी को असहज महसूस होना चाहिए? क्या यह नारा लगाने वालों की गिरफ्तारी अथवा उन पर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए? इस तरह के अनगिनत सवाल इस समय पश्चिम बंगाल के लोगों के जहन में चल रहे हैं। कोलकाता के पूर्व मेयर व माकपा नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि ममता को मनोवैज्ञानिक उपचार की जरूरत है। उन्होंने कहा, यह ममता का दुर्भाग्य है जिसके चलते भाजपा व संघ के लिए यहां जगह बन रही है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व वर्तमान सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता का वीडियो साझा करते हुए फेसबुक पर लिखा कि यह प्रकृति का न्याय है, जो जैसा करता है वैसा उसके सामने आ जाता है। ममता का असली चेहरा और असली दशा अब सामने आ गया है। जनता दल यूनाइटेड प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट में जेडीयू के शामिल होने का वक्त खत्म हो गया है। अब भविष्य में भी जेडीयू मोदी सरकार में शामिल नहीं होगी। अभी हाल में मोदी कैबिनेट का गठन हुआ है, इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू शामिल नहीं हुई है और बाहर से समर्थन देने का फैसला किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल होने के फैसले ने बिहार में कई नई सियासी संभावनाओं को लेकर बहस की शुरुआत कर दी है। जेडीयू ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी तेज कर दी है। इसे लोग दबाव की राजनीति से भी जोड़कर देखते हैं। संविधान की धारा 370 हटाने की बात हो या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण या तीन तलाक और समान नागरिक कानून हो, इन सभी मामलों में जेडीयू का रुख बीजेपी से अलग रहा है। इससे पहले भी जेडीयू प्रवक्ता और प्रधान महासचिव केसी त्यागी कह चुके हैं कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में सांकेतिक मंत्रिमंडल में शामिल होना बिहार के लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि जेडीयू नाराज है और ना ही असंतुष्ट है। जेडीयू ने बीजेपी को अपनी स्थिति से बारे में बता दिया है। आने वाले समय में मंत्रिमंडल में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आगे जो बात होगी वह होगी, लेकिन सांकेतिक रूप से शामिल नहीं हुआ जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि 2 सीटें वाली पार्टी और 16 सीटों वाली पार्टी में कुछ तो अंतर होना चाहिए। बहरहाल मौजूदा समय में जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल होने के फैसले को लेकर विपक्ष ने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी जेडीयू को किस संकेत के जरिए मनाने में सफल हो पाती। सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 3 वर्ष के अंदर सभी हाईवे प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस समेत अन्य एक्सप्रेस वे भी इस दौरान तैयार होंगे और सड़क किनारे 125 करोड़ पेड़ लगाने का भी लक्ष्य हमने सामने रखा है। नागपुर में सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भरोसा दिलाया है कि वर्तमान में चल रही सभी राजमार्ग परियोजनाएं अगले 3 वर्ष के भीतर पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब से प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा जाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे गडकरी ने कहा कि इस सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार पूरी ताकत से प्रयास करेगी। मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र नागपुर आए गडकरी ने कहा कि अगले 3 वर्षों में हमने राजमार्गों के किनारे 125 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही हमने यात्रियों के लिए सड़क किनारे विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत 2000 ऐसे केंद्र विकसित किए जाएंगे जहां यात्रियों को विभिन्न तरह की सुविधाएं मिल सके। MSME सेक्टर के बारे में गडकरी का कहना था कि यह क्षेत्र विकास और रोजगार से सीधे जुड़ा हुआ है, इसमें रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं और प्रधानमंत्री का मानना है कि इस क्षेत्र को समुचित मदद देकर रोजगार सृजन और विकास दर में तेज बढ़ोतरी की जा सकती है। केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, उनके विभाग के सभी काम तय समय से पहले पूरा करेंगे।
केंद्रीय मंत्री बनने के बाद प्रहलाद पटेल ने अपने गृह नगर गोटेगांव पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का गोटेगांव में जमकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं पूरा करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम हर काम तय समय से पहले पूरा करेंगे। पर्यटन मंत्रालय में काम करने की खूब गुंजाइश है। मंत्री पटेल ने कहा कि पहले मैं मंत्रालय को समझ लूं, इसके बाद यह आश्वस्त करता हूं कि बेहतर से बेहतर कार्य होगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी पर बसे स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ डुमना नेचर पार्क के लिए भी काम किया जाएगा। मुझे लगता है कि हमें दो बातें समझनी होगी कि नर्मदा इतनी बड़ी संपत्ति हमारे पास है, जिसकी दुनिया में एकमात्र नदी है जहाँ पर परिक्रमा होती है, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर है, प्लांट वैराइटीज वहाँ पर है। हमें दुनिया के सामने बताने भर की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश की माँ नर्मदा और उससे लगे हुए जैसे स्थान हैं वो दुनिया के मानचित्र पर अपने ठीक स्वरूप में अगर पहुँचेंगे तो दुनिया का पर्यटक यहाँ पर आएगा, ये मेरा विश्वास है। जब वो आएगा तो बाकी सारे काम भी होंगे। एक कोई घाट नहीं बल्कि मां नर्मदा के किनारे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो दुनिया जानेगी तो आएगी जरूर। लोकसभा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में बैठकों और मंथनों का दौर शुरू हो गया है। गृह मंत्री बाला बच्चन ने बताया कि लोकसभा में मिली हार के बाद पार्टी आगे की रणनीति पर विचार कर रही है। सीएम कमलनाथ कहेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब होने के बाद पार्टी में बैठकों का दौर चालू हो गया है। कांग्रेस ने चुनाव में हार का मंथन करने के लिए आगामी 8 तारीख को बैठक बुलाई है। बाला बच्चन ने कहा कि पार्टी अब नए सिरे से आगे की रणनीति पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार का सामना करने के बाद कांग्रेस मात्र एक सीट ही बचा पाई है। बच्चन ने कहा कि सीएम कमलनाथ चाहेंगे तो नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा की जाएगी। खुद के प्रदेश अध्यक्ष दौड़ में नाम शामिल होने की बात पर बाला बच्चन ने कहा, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसके लिए तैयार हूं। पार्टी ने वैसे ही काफी जिम्मेदारी दे रखी है। नहीं, सभी बिंदुओं पे चर्चा होगी। देखो, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो बुलाई गई बैठक है जिसमें मैं समझता हूं कि पिछले लोकसभा के चुनाव के परिणामों की भी समीक्षा होगी और आगामी समय में और क्या करना है सरकार को और पार्टी को, कांग्रेस को, ये भी उस पर भी चर्चा होगी। आगे की रूपरेखा भी तैयार होगी। अभी देखिए, अभी ये माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके पास की जो वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी है, ये वही तय करेंगे, वही डिसाइड करेंगे उस समय कि इस पे भी चर्चा होनी कि नहीं होना है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बस्तर में सुरक्षा बल के जवानों को एक तो नक्सलवादियों से सीधे लड़ना पड़ता है, दूसरा उनके नाम लोगों का भरोसा पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे ही विषम परिस्थिति में इन जवानों ने एक युवक की जान बचाई। कोरबा 2004 बटालियन के जवानों को सर्चिंग के दौरान बीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के बड़गी चेरू के पास घर में ट्रैक्टर से गिरकर घायल हुआ एक युवक मिला। इलाज के लिए इस युवक को अस्पताल पहुंचाना जरूरी था, सो जवानों ने चारपाई यानी कि देसी एम्बुलेंस में नवतपे की झुलसती गर्मी में घायल युवक को अपने कंधे पर लादकर पूरे 5 किलोमीटर का सफर तय किया और उसे अस्पताल पहुंचा। कल दिनांक थाना बासागुड़ा कुबरा बटालियन एवं 168 बटालियन के जवान गश्त पर निकले थे। तब वो बुढ़ी चेरू गाँव से पास से गुजर रहे थे, तब उनको पता चला कि गांव में एक लड़का बहुत ही बीमार है और उसको सारवार की ज़रूरत है। जवान उसके घर पर गए, वहां जाके देखा तो लड़का चल फिर नहीं पा रहा था, अगले दिन ट्रैक्टर से गिर रहा था और बेड रिडन था। जवान करीब 5 से 7 किलोमीटर लड़के को चारपाई में उठाकर घने जंगलों से
थाना लाए और उसके बाद एम्बुलेंस के द्वारा जवानों ने मानवता का परिचय देते हुए उस जवान को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवाया। अभी उसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि जवान उस घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने के लिए एक झोपड़ी नुमा घर से चारपाई निकाल रहे हैं। रोते बिलखते परिजन जवानों को मना कर रहे हैं। एक 6 साल की बच्ची भी रोते हुए जवानों से अकेले ही लड़ रही है। मतलब साफ है कि ग्रामीणों को जवानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। घायल युवक के परिजनों को जवानों की मंशा पर संदेह हो रहा है। परिजनों के मन में जवानों के प्रति खौफ है, जवानों के प्रति अविश्वास है कि कहीं जवान उस घायल का एनकाउंटर ना कर दे या उसे जेल में ना ठूस दे। वहीं दूसरी तरफ जवानों की मंशा बिल्कुल साफ है, जवान अपनी ड्यूटी के अलावा मानवता का धर्म निभाते हुए उस घायल का इलाज करवाना चाहते हैं। वीडियो को देखने के बाद आसानी से समझा जा सकता है कि नक्सलवादियों ने किस हद तक ग्रामीणों के दिल और दिमाग में जवानों के प्रति जहर भर दिया है। यही वजह है कि नक्सलवादियों के आधार इलाके के आदिवासी जवानों को अपना दुश्मन मानते हैं। नक्सलवाद के खात्मे के लिए बेहद जरूरी है कि सरकार और पुलिस पहले ग्रामीणों का विश्वास जीते। जब ये घायल युवक स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौटेगा तो न केवल घायल युवक के परिजनों का बल्कि पूरे गांव का विश्वास सुरक्षा बल के जवानों पर बढ़ जाएगा। रीवा के नव निर्वाचित सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार को जिले में पेयजल संकट को लेकर जमकर कोसा और कहा राज्य सरकार को पेयजल संकट के निराकरण के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। जहां एक तरफ मिश्रा ने मोदी सरकार की तारीफ की, वहीं दूसरी ओर कमलनाथ सरकार पर जिले में पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों ने भाजपा को वोट दिया, इसलिए प्रशासन इस तरह की लापरवाही कर रहा है। रीवा संसदीय क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद जनार्दन मिश्रा ने पेयजल संकट को लेकर कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार पेयजल संकट को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। जिले में व्याप्त पेयजल संकट को लेकर सांसद जनार्दन मिश्रा ने कलेक्टर सहित जिला प्रशासन की जमकर खिंचाई की और कहा कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से लोगों के द्वारा जल संकट की समस्याएं बताई जा रही है। वहीं हैंडपंप खराब है तो कहीं राइजिंग पाइप की समस्या है, मगर निराकरण के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि वहां के लोगों ने भाजपा को वोट दिया, इसीलिए प्रशासन के द्वारा इस तरह की लापरवाही की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर जिले के लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, साथ ही साथ उनकी नीतियों की आलोचना भी की। नगर पंचायतों में हर नगर पंचायत में 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपए तक की पेयजल की योजना मंजूर कराई और लगभग उनमें पाइप बिछाने का काम किया है, कर लिया है, लेकिन अब इस समय उस काम को बंद कर दिया है। इन लोगों ने बहाना ये बना रहे हैं कि पैसा नहीं। सिरमौर के लिए तो मैं सरपटकता रह गया कि आप इसको बस थोड़ा सा काम बाद में इसको कर दीजिए। सिरमौर में एक एक घूंट पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं, नहीं हुआ। दूसरा मैंने बताया ना कि मैंने जो सुझाव दिया था 1 साल पहले जो अकाल पानी का पड़ा था भीषण अकाल, उसमें हर पंचायत में एक मैकेनिक को चिन्हित किया गया था और बकायदे मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा था कि आप तो अपना मैकेनिक रख लो, पैसा विकास के 20% पैसा जो हम आपको दे रहे हैं विकास के लिए, उसमें से 20% पैसा आप इस काम के लिए खर्च करो। 20% जो पैसा पंचायतों को मिला था 2 साल पहले, यह अनुमति मिली थी कि आप विकास निधि से खर्च कर सकते हो, वो मैंने ये सलाह यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी दिया था और चीफ मिनिस्टर से मिल करके भी ये बात कही थी। और यहाँ तो खुलेआम जब अधिकारियों से बातचीत हो रही थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ जब अधिकारियों ने बताया कि यहाँ के सांसद जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया है, उसी समय सीएम ने कहा कि बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है जनार्दन जी का और इस पर आप काम करो। मिश्रा ने पीएम मोदी के कार्यों की तारीफ की और कहा किसानों को 6,000 रुपए बतौर पेंशन देने की योजना लागू की गई है, इससे किसानों का मनोबल ऊंचा हुआ है। ओवरलोडिंग को लेकर मिश्रा ने प्रशासन और पुलिस को जमकर लताड़ा और कहा इस समय अवैध वसूली का खेल भी सरेआम चल रहा है, पुलिस अवैध वसूली में व्यस्त है।
रायगढ़ में जूट मिल स्थित फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसमें करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने बामुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा फर्नीचर जलकर खाक हो चुका था। गर्मी की वजह से आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रविवार तड़के जूट मिल थाना इलाके में सिंगल फर्नीचर शॉप में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ऊपर की मंजिल पर रखे फर्नीचर को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। आग की खबर सुन आसपास के रहने वाले लोग भी वहां पहुंच गए। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दुकान में रखा फर्नीचर जलकर खाक हो चुका था। आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। लोगों को डर था कि यह आग कहीं आसपास के मकानों को अपनी चपेट में ना ले ले। मारपीट के दो वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और मामला दर्ज कर लिया। युवक के पिटाई के इस वीडियो में 5-6 युवक एक युवक को जमीन पर घसीटकर पीट रहे हैं। ये वीडियो ग्वालियर के जनकगंज इलाके का है। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर रविवार सुबह दो वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो में 5-6 युवक एक युवक को जमीन पर घसीटकर जमकर पीट रहे हैं। यह वीडियो ग्वालियर के जनकगंज के जागृति नगर का बताया जा रहा है। इस वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में लेकर अज्ञात लोगों पर मारपीट का केस दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे वीडियो में दो युवकों को कुछ लोग डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो भी ग्वालियर का बताया जा रहा है, लेकिन यह कहां की घटना है इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गाडरवारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर भारी वाहनों एवं कोयले की डंपिंग के चलते उड़ने वाली कोल डस्ट एवं धूल ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। सड़कों पर पानी का छिड़काव ढंग से न होने के कारण समस्या धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती जा रही है। कोल डस्ट से आए दिन लोगों को अस्थमा और सांस के रोगों का शिकार होना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा है। चुनाव खत्म और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी खत्म, ऐसा हम नहीं, गाडरवारा में कोल डस्ट से परेशान लोग कह रहे हैं। गाडरवारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 2 पर भारी वाहनों एवं कोयले की डंपिंग से उड़ने वाली कोल डस्ट एवं धूल से स्थानीय लोग परेशान हो चुके हैं। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे लोग भी कोल डस्ट और उड़ती धूल से परेशान हो रहे हैं। आए दिन कोल डस्ट लोगों के लिए बीमारी बनकर सामने आ रही है। कोल डस्ट से लोग अस्थमा दमा जैसी बीमारी के शिकार हो रहे हैं। अगर कोयले की डस्ट लगातार उड़ती है तो उसके महीन पार्टिकल्स उसके फेफड़े में जाते हैं और जो कि फेफड़ों में जमा होते हैं, जिनके निकलने का कोई सिस्टम होता नहीं है प्राकृतिक रूप से, और उनके जमा होने से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। धीरे धीरे लगातार जमा अगर होते हैं तो न्यूमोकोनियोसिस करके एक बीमारी होती है, जिससे कि पूरे शरीर की क्षमता कम होने लगती है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और विभिन्न प्रकार के उसके परिणाम शरीर के ऊपर नुकसानदायक शुरू होते हैं। तो निश्चित तौर पर उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसकी जो डस्ट है वो उड़े तो उसका ऐसा कवरेज होना चाहिए कि आम पब्लिक के फेफड़ों में नथुनों में वो ना जाए, जिससे कि उनके फेफड़े बच सकें। तबीयत खराब है, सीने दर्द हो रहा है, जो खूब घर में धूल होती है ये किबला कारण से, दिन रात 24 घंटे उड़ती रहती, जो किबला उड़ रहा हो ना भरा रही गाड़ी तोड़ता रहता है। अब घर देखो आप करिए पर रहा मेरे। NTPC क्षेत्र होने के कारण छोटे बड़े सभी वाहन 24 घंटे चलते हैं। सड़क और आसपास गिरने वाला कोयला चूरा होकर कोल डस्ट का रूप धारण कर लेता है। पानी का नियमित छिड़काव नहीं होने से समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि जहां छिड़काव किया भी जाता है वहां सड़क जल्दी सूख जाती है और थोड़ी देर में फिर डस्ट उड़ने लगती है। शासन प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी समस्या से मुंह मोड़ लिया है। जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से नाराज लोगों ने अब आंदोलन का मन बना लिया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन के साथ ही पर्यावरण विभाग को इस समस्या को कम करने के लिए गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। धूल के कारण सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। बहुत डस्ट उड़ रही है और कोयले की धूल से निश्चित बीमारियां भी बहुत होती हैं, और वहां पर पास में रहने वाले लोगों का मेरे पास भी शिकायत आई कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इस संबंध में प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए और आपने हम लोगों का भी ध्यान आकर्षित करवाया, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं भी व्यक्तिगत रूप से बात करूंगी और प्रशासन से भी बात करूंगी कि इसका कुछ ना कुछ
हल जरूर ढूंढें जिससे कि आम आदमी की जो परेशानी है वो दूर हो। एमपी में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। प्रदेश के कई शहरों में जहां तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं छतरपुर के नौगांव में पारा रिकॉर्ड 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो तापमान अभी और बढ़ने की संभावना है। नौतपे में गर्मी के तेवर तीखे हैं, भीषण गर्मी लोगों को जला रही है। छतरपुर के नौगांव में पारा 47 तक पहुंच चुका है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। नौगांव में सूरज की आग इस कदर है कि लू के कारण लोग बहुत जरूरी हो तभी घर से निकल रहे हैं, और यदि घर से निकलते हैं तो चेहरे को पूरी तरह ढक कर निकल रहे हैं। नौतपे की भीषण गर्मी के कारण लोगों का जीवन दूभर हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी इस तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। भीषण गर्मी में सड़क सुबह होने के बाद सुनसान हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे शहर में कर्फ्यू लग रहा हो। छतरपुर में गर्मी की वजह से शीतल पेय पदार्थों की भी मांग बढ़ रही है। गौरतलब है कि देश के 10 राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल हैं। अरे बहुत तेज गर्मी है यार, क्या करें, मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा। जैसे भी रहते हैं काम भी करते हैं और सब मेंटेनेंस हो जाता है। जब पहला रोजा भर रख लो फिर नहीं एहसास होता, फिर तो चलता रहता। देख गर्मी तो है ही, वो तो सूखता है लेकिन हाँ चलता है, आदत पड़ जाती है फिर। अरे भैया इतनी गर्मी पड़ रही कि गर्मी के मारे ना खाना खा रहा हूँ ना कुछ नहीं, ऐसे लग रही जैसे आग जल रही हो आगे पीछे दोनों तरफ। भैया बहुत गर्मी पड़ रही, चक्कर आ रहे, तौलिया गीली करके रखे भैया ठंडक के लिए कि वहाँ कुछ मिनट, अब हो ना हो भैया लेकिन अपनी तसल्ली के लिए रखे हैं कि थोड़ी तसल्ली मिले। नौतपा के आखिरी दिन सुबह से दोपहर तक भीषण गर्मी के बाद मालवा निमाड़ के कई इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां आरंभ हो गईं। देवास, खरगोन और बड़वानी जिले में बारिश हुई, इसमें लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली। देवास शहर में शाम करीब 4 बजे से तेज हवा के साथ शहर में झमाझम बारिश हुई। इस दौरान बिजली भी खूब कड़की, करीब 15 मिनट तक बारिश का दौर रहा। बड़वानी जिले के सेधवा अंचल के बरला और निवाली में भी बारिश हुई। वहीं खरगोन जिले के कसरावद, मंडलेश्वर, पिपलिया बुजुर्ग, सनावद में भी बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने चंबल, रीवा, उज्जैन, सागर आदि जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र ने कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान भी जताया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्री मानसून गतिविधियां पूरे प्रदेश में हो सकती हैं। शनिवार को भी मंदसौर, नीमच, मनासा में आंधी के साथ बरसात हुई थी। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक 2 जून को नौतपा की समाप्ति के साथ ही गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना भी बढ़ रही है। मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि वातावरण में नमी का प्रतिशत बढ़ने लगा है, इससे प्री मानसून गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ है भरण समाचार। नमस्कार, भरण समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जा भोपाली। ओ कल्याण भाई, मौसम तो ऐसा भन्नाट हो रही है, 45 डिग्री पहुंच रही है टेम्परेचर। बता रहा हूँ, अंडा है ना डालो खोपड़ी पे, ऑमलेट बन जाती 2 मिनट में। ऐसा मौसम हो रहा है। वो आज मैं मौसम की खबरों से शुरुआत कर रहा हूँ। ये स्कॉटलैंड में देखो धूप की कमी हो रही है लोगों को। हाँ, वहाँ को विटामिन डी के कैप्सूल लेने पड़ रहे हैं उनको। मैं बता रहा हूँ उनको, टूरिज्म पे यहाँ ले आओ इंडिया में, ऐसे बिलबिला जाएंगे, बताएं ओवरडोज हो रहा है हमारा तो विटामिन डी का। हाँ, ये खबर ये देख लो, सिडनी में है ना जल संकट हो रहा है, वहाँ भी नल है ना खुला छोड़ दो, 26,000 तक का जुर्माना लग रहा है। हमारे यहाँ तो ये पाइप फूटे रहते, नल की बात छोड़ो, भलल भलल करके बेहतर रहता है। मैं बता रहा हूँ पानी की इज्जत करो, आगे है ना कैप्सूलों में मिलेगा पानी, बता रहा हूँ। हाँ, वही राहुल गांधी को देख लो, ये बहुत अच्छे एक्टर हो गए आजकल। सोनिया गांधी का मेरे पास फोन आया था, उन्हें बोला मेरे को बहुत मैच्योर हो गए हैं, अब ये परिपक्व हो गए हैं। वो नेता बनने के लिए पहले अभिनेता बनना पड़ता है, वो अभी देखो रूठे रूठे फिर रहे हैं, अभी इसको डांट रहे हैं, कभी उसको डांट रहे हैं, अध्यक्ष बस इस्तीफा देना चाह रहे हैं। हाँ, ये चल रहा है, बता दो मैच्योर हो गए भैया आप। हाँ, वही अमित शाह, इनको कैलाश विजयवर्गीय को देखो, बुलडोजर लेके है ना पश्चिम बंगाल में घुस गए। बता रहे हैं ऐसी स्वच्छ भारत अभियान 2 शुरू कर दिया इनने, पश्चिम बंगाल से शुरुआत कर दी। 2 TMC के MLA वो 50% तोड़ दिए। अब ममता बनर्जी भुनभुनाती फिर रही है, बता रही हूँ। हाँ, ये तो चल रहा है। वो आप देखो ये WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने ना ऑफिस में ज़्यादा काम करने को जो थकान होती है उसको बीमारी माना है, उसका नाम दिया उन्होंने वर्न आउट। और मैं बता रही हूँ देखो बच्चों को यदि 12-12, 14-14 घंटे रगड़ते रहते हो, ये प्राइवेट कंपनियाँ, मैं इनको बोल रहा हूँ, मैंने इनको थोड़ा राहत दो, बता रही हूँ, ये बर्न आउट हो जाएगा बेचारों को। हाँ,
ये खबर इधर पे देख लो, जहरीली शराब से 16 लोग मर गए। अब मेरा कहना है कि जो शराब बनाती हैं इनको पहले टेस्ट कराओ, इनके मुंह में है ना दो दो बोटलें ठूसो, तब इनको समझ में आएगा क्या होता है जहरीली शराब बनाना। ये ऐसा तो चल रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार तो भैया तबादलों की सरकार हो गई, रोज सुबह खबर आ जाती है तबादला। अब मेरे को समझ नहीं आता इनको और कोई काम नहीं बचा गया, ये दूसरा काम भी तो है कि वह तबादला तबादला। और ये खबर ये देख लो, हमारे जो रजनीकांत जी हैं फिल्म स्टार, ये कह रहे हैं मोदी को एक करिश्माई नेता है, मोदी जी बड़ी तारीफ कर रहे हैं इनकी, बोले नेहरू के समान करिश्माई नेता है। मैं कह रहा हूँ आप तो क्या कम करिश्मे करते हो फिल्मों में, कभी सिगरेट इधर से उछालते हो उधर जाके कान पे आके टिक जाती है, बता रहे हो ये तो चल रहा है, ये से वो अभिनेता है। और मैं भी भैया आप चला कुछ करिश्मा करने। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।